दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया है। दिल्ली के ओखला से पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को 2 साल पुराने वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित गड़बड़ियों के आरोप में दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। अपने विधायक की गिरफ्तारी को गुजरात चुनाव से जोड़ते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया, पहले इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। कोर्ट के बार बार पूछने पर भी ये कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहे। फिर मनीष के घर रेड की, कुछ नहीं मिला। अब अमानतुल्ला को गिरफ्तार किया है, अभी और कई विधायकों को गिरफ्तार करेंगे। लगता है इन्हें गुजरात में तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। बहरहाल आपको बता दें कि शुक्रवार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खां के घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 24 लाख रुपए नकद और एक बिना लाइसेंस हथियार बरामद होने की बात सामने आई है। आप विधायक के बिजनेस पार्टनर हामिद अली को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि विधायक और उनके परिवार की ओर से कहा गया है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। NBTO ऑनलाइन की रिपोर्ट।